दोस्तों आज मैं प्रेम मंदिर वृंदावन में, जो कि वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर को देखने के लिए आए हुए हैं। लोगों की भीड़ देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये मंदिर लोगों में कितना फेमस और कितना पॉपुलर है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये है इसका एंट्रेंस, और लोग अभी भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं। ये मंदिर की एंट्री की लास्ट टाइमिंग चल रही है, इसके बाद मंदिर में एंट्री बंद हो जाएगी। और उससे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा झांकी लगी हुई है। लाइटिंग वो इतनी क्लियर तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये झांकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगी हुई है। और यहाँ पर ये बीच में ये कालिया नाग है। और अभी हम आ गए हैं इस मंदिर के पास में, और यहाँ पर ये बाहरी दीवारों पर ये ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये मंदिर बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। लाइटिंग में देखने में तो ये और भी प्यारा और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि मोबाइल फ़ोन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और लाइटिंग में मोबाइल फ़ोन इतने बढ़िया तरीके से वीडियोस कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना हुआ ये फ्रेम मंदिर। और यहाँ से ये साइड वाला गेट खुला हुआ है, तो लोग इस समय साइड वाले गेट से एंट्री कर रहे हैं, और हम भी साइड वाले गेट से एंट्री करते हैं। वैसे तो इसका मेन गेट उस साइड में है और एंट्री भी वहीं से होती है, लेकिन आज यहाँ पर रात का समय हो रहा है, और रात के समय ही प्रेम मंदिर अच्छा लगता है देख के। अभी फ़िलहाल ये वाला गेट किसी ने बंद कर दिया, तो अभी हम चलते हैं सामने की तरफ और सामने से ही इस मंदिर को देखेंगे। और वहाँ पर वो पीछे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पर गोवर्धन पर्वत बना हुआ है, और उसके ठीक नीचे गांव वाले हैं, और उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो वो अभी उस साइड में है, थोड़ी देर के बाद हम उधर की तरफ चलेंगे, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम चलेंगे इस वाले गेट से अंदर की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना हुआ है फ्रेम। यहाँ पर हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत अधिक है, और भीड़ अधिक होने की वजह से आवाज़ मेरी दबी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और आगे से इसके मेन गेट से हम एंट्री लेंगे, और मेन गेट में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और ये इसकी लाइटिंग बंद कर दी, और लाइटिंग बंद करने के बाद भी अभी एंट्री है, तो अभी हम एंट्री करेंगे इसके अंदर और चलेंगे अंदर की तरफ। तो अभी हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर प्रेम मंदिर लिखा हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं प्रेम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर लोग फोटोग्राफी और सेल्फी कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि वीडियो अगर हिल रही हो तो ज़्यादा इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय वीडियो और वॉइस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। और ये देखिए मूर्ति देखिए, ज़्यादा लाइटिंग होने की वजह से राधा कृष्ण की मूर्ति साफ तो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश बहुत की लेने की। और ये देखिए ये कीर्तन करते हुए ऋषि मुनि, लिखा हुआ भी है श्रीवास आंग।
आंगन में संकीर्तन। डिटेल्स तो लिखे हुए यहाँ पर, लेकिन लोग इतने अधिक हैं कि इसमें वीडियो की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी कुछ भी नहीं आएगी भाई, यह है वीडियो बन जाएगी। और इस साइड में कुछ लोग लिखे हुए हैं, मना कर रहे हैं। प्रतिमा है गुरु जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये साइड से लेकिन भीड़ बहुत अधिक है। अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद नीचे की फ्लोर के हम वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। इसलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे आया, और फर्स्ट फ्लोर के बाद अब चलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पर चलने के बाद ग्राउंड फ्लोर की वीडियो हम शूट करेंगे। और लास्ट मोमेंट पे एंट्री की थी मैंने, तो लास्ट मोमेंट पे एंट्री करने की वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सका। लेकिन जल्दी जल्दी मैं जितना भी मैं इस प्रेम मंदिर की वीडियो दिखा सकता हूँ उतना मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की। और यहाँ पर अभी धीरे धीरे लाइटिंग बंद करते जा रहे हैं मंदिर समिति के लोग, और यहाँ पर ये युगल विग्रह वाला मंदिर भी इस समय बंद कर दिया गया है। अब ये मंदिर के अंदर की चीज़ें तो लगभग लाइटिंग फिर एक बंद कर दी गई, तो धीरे धीरे करके लाइटिंग बंद करते जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर, और अभी लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से बाहर की तरफ, अब लाइट बंद करते जा रहे हैं लोग, और उसके बाद अब हमें बाहर निकलना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो एंट्री वाला जो रास्ता था यहाँ से भी लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जो एग्जिट वाला था उधर से भी ऊपर से लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इन दोनों रास्ते से अब लोगों को बाहर की तरफ भेजा जा रहा है, तो हम भी चलते हैं बाहर की तरफ।
बाहर की भी लाइटिंग सब बंद कर दी गई है। 9 बजे नहीं, हालांकि वैसे तो ये मंदिर 9 बजे तक तो खुला रहता है, लेकिन अभी 9 नहीं बजे हैं, उससे पहले ही यहाँ पे ये मंदिर की लाइटिंग बंद करते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जितनी भी लाइटिंग चल रही है उसके हिसाब से मैं प्रेम मंदिर का बाहर का एरिया दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये देखिए लोगों से पूरा खचाखच भरा हुआ है ये प्रेम मंदिर। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गोकुल वाला सीन दिखाने के लिए जहाँ पे ये गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है प्रभु श्री कृष्ण ने, तो अभी सबसे पहले मैं वहीं चलता हूँ क्योंकि बाकी वैसे तो इधर बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन उधर जाना मेरे लिए इस समय पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इनकी लाइटिंग भी जल्दी बंद कर दी जाए, तो मैं आप लोगों को पहले तो ये गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण जी को दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी आगे की और चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये हम गोवर्धन पर्वत की तरफ आगे बढ़ते हुए और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा गोवर्धन पर्वत उठा हुआ प्रभु श्री कृष्ण और उनके ठीक नीचे गांव के लोग। तो ये है यहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण जी और ये पूरा सीन है जिसको सब लोग कैप्चर कर रहे हैं और ये ऊपर नीचे गांव वाले और श्री कृष्ण भगवान उधर मुरली बजाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली को उठाए हुए और इसमें गांव वालों ने लठोर लगा रखा पर्वत को खाने के लिए, तो उसको बोल रहे हैं। बाकी फिलहाल इसको देखने के बाद अभी हम चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ है। ये मंदिर बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है, बट यही है कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन लेट होने के बाद भी इतना तो हो ही जाएगा कि आप लोग प्रेम मंदिर को एक ओवरलुक तो देख ही सकते हैं वीडियो में। पूरा प्रेम मंदिर ना सही लेकिन ओवरलुक पूरा देख सकते हैं इसका कि ये कैसा है। और बाकी लोग बहुत हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये देखिए मतलब ये जगह इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इधर लिखा हुआ है कृपालु, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर कृपालु लिखा हुआ है। ये पहले नहीं था, जब मैं पहले आया था तब उस समय तो ये नहीं था, मैं जब आगरा में जॉब करता था तब मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ से मेरे को गए हुए आगरा से गए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, तो आज मैं आ रहा हूँ 6-7 साल के बाद। तो इस समय ये आप देख रहे होंगे कृपालु लिखा हुआ जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी और गोपियाँ रास बसाते हुए। तो अभी फिलहाल अभी हम इससे आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। और कंटिन्यू मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पर ये गार्डन है इस साइड में। फिलहाल मैं गार्डन की तरफ तो नहीं जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें इधर हैं मैं उन चीज़ों को दिखा सकूँ, लेकिन यहाँ पर आई थिंक गार्ड आगे की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, इन गार्डों ने आगे जाने से रोक लगा दी है, तो ये आगे नहीं जा सकते, अब नहीं जा सकते, तो इन्होंने मना कर दिया। और पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो फिलहाल आप एक ओवरलुक देख सकते हैं इसका। और यहाँ पर सीटी बजाए जा रहे हैं ये लोग ताकि आप लोग वापस जाएं। अब यहाँ से अब प्रेम मंदिर में एंट्री अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, अब बाहर जाने का समय आ गया है, अब सब लोग बाहर निकले
और अभी थोड़ी देर पहले ये मंदिर लाइटिंग से पूरा जगमगा रहा था, लेकिन इस समय इसकी लाइटिंग बंद कर दी गई है। कुछ ही लाइट्स ऊपर की तरफ जल रही हैं, जो कलरफुल लाइट्स थी वो नहीं जल रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक चीज़ मेरे से बहुत बड़ी मिस हो गई थी कि ये जो है ना, ये मंदिर के मेन गेट के बाहर लगा हुआ है, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ पे ये लगा हुआ है। और इसकी फ़ोटोज़ मेरे पास पहले की पड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो ये देखिए, मटके ले जाती हुई गोपियाँ यहाँ पर, जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो इसकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। लेकिन फिलहाल अभी रात का समय है, तो रात के समय में इतनी बढ़िया तो नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको लेने की। तो ये सीन अपने आप में बहुत ही अच्छा आता है, ये दोनों साइड में है। लेकिन फिलहाल पब्लिक इतनी अधिक है, लोग इतने अधिक हैं, ये देख रहा हूँ आप लोग, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी उधर ही लोग भरे पड़े हैं, पूरा प्रेम मंदिर खचाखच भरा हुआ है। ये मंदिर जितना खूबसूरत है ना, उसकी टाइमिंग थोड़ी और अधिक होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अभी हमने पूरा प्रेम मंदिर घूम लिया है, और इसको घूम कर और देख कर हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।